अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस हमीद और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रिएट मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है ओके तो आज है क्लास फोर। क्लास फोर का टॉपिक है वाइन ग्लास। आप इलस्ट्रेटेड वाइन ग्लास मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। इलस्ट्रेटर में आप वाइन ग्लास को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से वाइन ग्लास में कलर फिल कर सकते हैं और वाइन फिल कर सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया तो मेरे पास ऑलरेडी वाइन ग्लास ओपन है और मेरे पास वाटर कलर भी है, वाटर कलर इन ब्लू फॉर्म, और मेरे पास वाइन कलर भी यहाँ पर मौजूद है जिसके हेक्सा कोड्स मेरे पास यहाँ पहले से मौजूद हैं। ठीक है, ये वाइन ग्लास हमारे पास मौजूद है जिसमें वाइन ग्लास की स्टिक भी है, वाइन ग्लास का एलिमेंट्स सारे बने हुए हैं, इसके अंदर वाइन भी पानी भी ऐड हुआ हुआ है। अब मुझे इसको पानी हटा के वाइन इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक तो वाइन ग्लास क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हम वाइन ग्लास क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको ये भी शो करूंगा कि वाइन ग्लास को बनाने के बाद हमने इसके अंदर वाइन कलर को किस तरह फिल करा। ठीक है, अच्छा जी, वाइन ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने स्टेप लिया वो लिया सबसे उसके नीचे बेस। सही है, वाइन ग्लास के सबसे नीचे की बेस, राइट तो मैंने क्या किया, मैं जस्ट यहाँ पर मेरे पास एलिप्स टूल मौजूद है, मैंने एलिप्स टूल लिया और मैं इस तरह से एलिप्स टूल एक क्रिएट कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, जब मैंने ये एलिप्स टूल क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसके अंदर मैं स्लाइटली से डार्क ग्रे थोड़ा सा इसके अंदर कर दूंगा इसमें। ठीक है, जस्ट रेंडमली, और मेरे पास अगर आपके पास स्ट्रोक्स फिल हुए हुए हैं तो आप यहाँ से इसको स्ट्रोक्स को नन कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, और आपके पास कलर जो स्ट्रोक के कलर्स हैं वो नन हो जाएंगे तो आपके पास प्लेन इसकी बेस क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करने जाऊंगा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा और इस वाइन ग्लास के बेस को थोड़ा सा और इस फॉर्म में लेकर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, इसकी स्टिक बनानी है मुझे, राइट। मैंने क्या किया, मैं पेन टूल लूँगा और पेन टूल लेने के बाद मैं बिल्कुल मिडल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मैं इसको यहाँ से क्रिएट करूँगा। शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने ताकि मैं इसकी स्टिक को यहाँ तक रख सकूँ। ठीक है, मैंने रखी, एग्जैक्टली सेकंड पॉइंट लिया एंड देन एग्जैक्टली थर्ड पॉइंट, राइट, और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टिक भी तैयार हो चुकी है। मैं चाहूँ तो स्टिक को थोड़ा सा पतला कर दूँ लाइक दिस। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन करूँगा और मैंने इसको ज़रा थिन कर दिया था बस। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया कि इस स्टिक का मैं कलर चेंज कर दूँगा। मैं स्टिक का कलर चेंज कर दूँगा और स्टिक का कलर चेंज कर दिया मैंने जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा लाइट ग्रे की तरफ चले गया। ठीक है, ताकि मैं इन दोनों में डिफरेंस देख सकूं। सही है, उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, ठीक है, मुझे ये ग्लास के अपर साइड बनाना है, राइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने पेन टूल लिया, जस्ट सिंपली मेरे पास यहाँ पर पेन टूल है और मैंने अपना इस पेन टूल को इधर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इनविजिबल लाइन आपके पास आनी चाहिए और मैंने यहाँ से क्रिएट करने शुरू किया, राइट। अच्छा, ये देखें आप इनविजिबल लाइन आ रही है, इसकी बेस की कॉर्नर से नज़र आ रहा होगा आपको। मैंने क्या किया कि मैं जस्ट स्लाइटली अपर एरिया पे जाऊंगा और यहाँ क्लिक करूंगा ताकि इसको मैं इसके सेंटर लाइन पे रख सकूं, और मैंने यहाँ पर इस तरह से ये एक ग्लास क्रिएट किया, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिंपली सिलेक्शन टूल लूँगा और इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास और एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म पे मैं रिफ्लेक्ट पे जाऊँगा। जैसे ही मैं रिफ्लेक्ट पे जाऊँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू पे चेक लगा हुआ है, मैंने इसको सबसे पहले कैंसिल किया। मैं पहले बाहर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन मैं राइट क्लिक करने के बाद रिफ्लेक्ट पे जाऊँगा। ठीक है, और मैंने क्या किया, जस्ट सिंपल इसको ये प्रीव्यू पे चेक लगा के देख लें आप एक दफ़ा और कॉपी पे प्रेस करें तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, और मैंने रिफ्लेक्ट करने के बाद इसको स्लाइटली सा इस तरफ लेकर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्लास बन गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको इसके अंदर मर्ज करते वक्त लेकर चलूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जब मेरा ये पार्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मैंने इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको ज्वाइन कर दूंगा। तो आप ये देखें ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा ज्वाइन हो गया है, ताकि इसकी दोनों साइड इक्वली कर्व चुकी हैं। इसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, दोबारा एलिप्स टूल लूँगा और यहीं से एक एलिप्स का एक इसके शेप क्रिएट कर दूँगा इसके अंदर, ताकि ये इसके टॉप एरिया वाला साइड क्रिएट हो सके, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इसको अपर एरिया पे ले जाऊंगा और थोड़ा डार्क ग्रे ऐड करूंगा इसमें, ठीक है, ताकि इसके इनसाइड वाला एरिया दिखे, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली सा डार्क ग्रे ऐड किया। थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क ग्रे हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा इसका और इसको लाइटिश की तरफ लेके गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अपर एरिया भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आप वाइन ग्लास इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा कम है, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करूँगा और चारों तरफ से इसके डिज़ाइन को मैं थोड़ा स्मॉल डाउन कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एरिया भी क्रिएट हो चुका है और इस तरफ वाला एरिया भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये क्रिएट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा इसके कॉर्नर वाले एरिया में, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया भी फिलअप हो चुका है और ये एरिया भी इस तरह से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, या चाहूँ तो इस तरह से इसको रहने दूँ, ठीक है। सो नाउ अब क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा इसमें डाउन पोजीशन पे चले जाऊंगा ताकि ये इसको इसके साथ मर्ज हो, ठीक है जी। अब मैं चाहूँ तो इस वाले ग्लास को भी मैं थोड़ा अपर एरिया में लेके जा सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। लेकिन मैं अपर एरिया में लेके जाऊँगा तो फिर इस टॉप एरिया को भी मुझे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाने के बाद मैंने क्या बनाया, जस्ट सिंपली मैं इसमें क्रिएट करूँगा एक इसके अंदर वाटर इफेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, मैंने पेन टूल दोबारा से लिया और पेन टूल लेने के बाद मैंने क्या किया, एक वाटर इफेक्ट या एक वाइन इफेक्ट ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से पेन टूल लिया और इसके बिल्कुल सेंटर एरिया में एक इस तरह से कर्व बनाया, ठीक है, एक इस तरह से कर्व बनाया और इस पर, और मैं बिल्कुल वेरी नेक्स्ट एक और कर्व बना दूंगा इसके बिल्कुल कॉर्नर साइड पे। ये कर्व बनाने के बाद मैं बिल्कुल इसके सेंटर पोजीशन पे आऊँगा, ठीक है। सेंटर पोजीशन पे आने के बाद मैंने यहाँ से इसका कर्व क्रिएट किया, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा मैं उस तरफ से इसमें ऐड कर दूंगा वाइन, ठीक है। जब ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली इस पर एक क्लिक करूँगा, हैंडल क्लोज करूँगा ताकि मेरे दूसरा वाला कर्व भी बिल्कुल एक्यूरेटली आ जाए। अब यहाँ पर मैं रिफ्लेक्ट नहीं ले सकता, ठीक है, और मैंने यहाँ इस तरह से कर्व क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है इसके अंदर वाटर या वाइन जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं जूम आउट करूँगा और उसके बाद मैं इसमें ये देखूँगा कि मैं इसमें ब्लू कलर मतलब वाटर कलर फिल करना चाहता हूँ या वाइन कलर फिल करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके हेक्सा कोड्स मेरे पास मौजूद हैं, मैंने डबल क्लिक किया और इसको सिलेक्ट कर लूँगा जस्ट फॉर एन एग्जांपल वाइन कलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ऐड किया हुआ है, ठीक है। और इस तरह मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल लेके और मैं इस कलर कोड पर जाऊँगा और इसमें पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी प्रेस करके। यहाँ देखें ये एक्स कोड इसके अंदर जा चुका है और मैंने इसको ओके प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये रेड वाइन ऐड हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर ये जब हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इन तीनों पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ग्रुप कर दूंगा,
ग्रुप करने के बाद मैं इस वाले एरिया पे लेके आऊँगा, बिल्कुल सेंटर एरिया पे लेकर आऊँगा और जस्ट स्लाइटली सर इसको डाउन एरिया की तरफ ले लूँगा, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसके कप को थोड़ा सा लार्ज कर सकता हूँ एरिया, ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद चाहूँ तो यहाँ से भी ड्रैग कर सकता हूँ थोड़ा सा लाइक दिस, ठीक है, लेकिन मुझे ये एरिया नहीं। या मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इस तरह से भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये करने के बाद आपके पास वेरी नेक्स्ट स्टेप जो क्या होता है वो होता है इसकी बेस पे आप थोड़ा सा शेडो ऐड करेंगे ताकि ये इसके साथ अटैच लगे, ठीक है। मैंने इसके शेडो ऐड किस तरह से किया, मैंने इसका शेडो किया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, मतलब कंट्रोल सी से कॉपी कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट। ये करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे छोटा कर दूंगा और इसमें मैं कलर फिल कर दूंगा डार्किश ग्रे, राइट। ये ऐड करने के बाद मैं इफेक्ट पे गया, यहाँ पर स्टाइलाइज है, स्टाइलाइज में जाने के बाद फेदर है, फेदर ऐड कर दिया, प्रीव्यूज का मैं लूँगा और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रीव्यू ऐड हुआ हुआ इसके अंदर, मैंने थोड़ा कम कर दिया और ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं इसकी बेस में ये शेडो भी ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा, ये स्टिक, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर एक अलाइनमेंट ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये देखें ये चारों चीज़ें, एक दो तीन, सॉरी तीनों चीज़ें ये जो है अलाइन सेंटर हो चुकी हैं। मैं जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने ग्रुप किया हुआ है और ये मेरे पास चारों चीज़ें हैं, मैं इसको भी ग्रुप कर लूँगा। तो मेरे पास स्टिक, इसकी बेस और ये चीज़, ठीक है, ये क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ग्रुप करने से पहले कंट्रोल जेड करूँ दोबारा, ग्रुप करने से पहले ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को छोटा कर दिया, ठीक है, तो ताकि थोड़ा रियल इफेक्ट आए। और मैंने फिर दोबारा तीनों को सेलेक्ट किया और सेंटर लाइन करके चेक कर लिया और मैं इसको ग्रुप कर दूँगा और इन दोनों को फिर ये ग्रुप वाला एरिया है, ये ग्रुप वाला एरिया है और मैं इन दोनों को भी सेंटर लाइन करके चेक कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास वाइन ग्लास तैयार है। और मैंने क्या किया, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके टॉप एरिया को मैं थोड़ा सा और लाइट करूँ, ठीक है, तो मैंने डबल क्लिक किया क्योंकि ग्रुप हुआ हुआ था, मैंने डबल क्लिक किया और इसके लाइट एरिया की तरफ मैं चले गया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट रहे इसमें, ठीक है। तो आपने वाइन ग्लास इलस्ट्रेट किया है और आप देख सकते हैं ये वाइन ग्लास मेरा तैयार हो गया है। इसकी स्टिक का कलर भी मैं चेंज करना चाहूँ, थोड़ा लाइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से लाइट कर सकता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा वाइन ग्लास यहाँ पर तैयार हो चुका है और मैं कंट्रोल ज़ीरो करूँगा ताकि फिट टू स्क्रीन हो सके। और आप देख सकते हैं इसके राइट साइड पे एक वाइन ग्लास है मौजूद और एक इसके लेफ्ट साइड पे वाइन ग्लास मौजूद है जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, एक ये वाइन ग्लास की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई और ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।